नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी लोगों को कुंडली में वक्री ग्रह की स्थिति के बारे में बताऊंगा। वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रह का क्या फल मिलता है, जिससे आप अपनी कुंडली को घर बैठकर ही देख सकते हैं और आपकी कुंडली में वक्री ग्रह की स्थिति है या नहीं है। है तो वक्री ग्रह का फल आपके जीवन में क्या पड़ेगा, आपकी इसी तरह की तमाम सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ वक्री ग्रह की संबंधित संपूर्ण जानकारी। वक्री ग्रह को लेकर आमतौर पर लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि वक्री हुआ ग्रह मतलब जीवन में परेशानियां शुरू। कई अधकचरे ज्ञान वाले ज्योतिष भी ऐसा मानते हैं, लेकिन हकीकत वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। कुछ ग्रहों का वक्री होना जीवन में ना सिर्फ खुशियाँ लाता है बल्कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। फॉरेन कंट्री के ज्योतिष भी वक्री ग्रह के बारे में स्टडी कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में वक्री ग्रह पर अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, लेकिन विदेशों में भी वक्री ग्रह पर कुछ कम शोध नहीं हुए हैं। अनेक विदेशी विद्वानों ने वक्री ग्रहों पर शोध करने के बाद भारतीय विद्वानों के मत से सहमति जताई है। ज्योतिष गणना के अनुसार माने तो लगभग हर दूसरे व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह वक्री पाए जाते हैं, तथा ज्योतिष में रुचि रखने वाले अधिकतर लोगों के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि उनकी कुंडली में वक्री बताए जाने ग्रह का फल का क्या मतलब हो सकता है। वक्री ग्रह को लेकर भिन्न भिन्न ज्योतिषियों पंडितों के भिन्न भिन्न मत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि वक्री ग्रह की परिभाषा क्या है, इनका एक्चुअली अस्तित्व क्या है। कोई भी ग्रह जब विशेष स्थिति में अपनी सामान्य दिशा से आगे चलने के बजाय उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है तो ऐसे ग्रह की गति को वक्री गति कहा जाता है। वक्र यानी उल्टी गति से चलने वाला ऐसे ग्रह विशेष को वक्री कहा ही जाएगा। उदाहरण के लिए यदि शनि अपनी सामान्य गति से कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि शनि कन्या राशि से अगली राशि जो तुला होती है उसकी तरफ जा रहे हैं, किंतु वक्री होने की स्थिति में शनि उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, यानी शनि कन्या राशि से तुला राशि की ओर न चलते हुए बल्कि अपनी पिछली राशि सिंह राशि की ओर यदि चलना शुरू कर दे, सिंह राशि में आ जाए तो इसे शनि का वक्री ग्रह का भ्रमण काल कहा जाएगा। सामान्यतः आप अखबारों में दैनिक जीवन में देखते होंगे कि शनि मार्गी हो गया, शनि वक्री हो गया, यही वो शनि की वक्री दिशा है। जैसे किसी ग्रह का वक्र दिशा में चलने का समय काल समाप्त हो जाता है तो पुनः सामान्य गति से आगे की दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं, उसे हम ग्रह को मार्गी होना कहते हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वाले जातक जातिकाओं को मैं बता दूं कि सूर्य एवं चंद्रमा सदैव सामान्य गति से चलते हैं, ये दो ग्रह कभी वक्री नहीं होते। वहीं इसके ठीक विपरीत राहु और केतु जो ग्रह होते हैं वो सदैव वक्री चलते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते। बाकी बचे पांच ग्रह ये कभी वक्री तो कभी मार्गी अवस्था में आते और जाते रहते हैं। कभी कभी कोई ग्रह एक राशि में वक्री होकर पिछली राशि में चला जाता है तो कभी उसी राशि में बना रहता है, फिर जैसे ही वक्री ग्रह की गति समाप्त होती तो वो मार्गी हो जाता है अर्थात अपनी पुरानी स्थिति में लौट कर आ जाता है। ग्रहों की वक्री गति का फल अलग अलग होता है। वक्री ग्रहों के बारे में अलग अलग ज्योतिषों का अलग अलग धारणाएं बताई गई है, अवधारणाएं बताई गई कि वक्री ग्रह क्या होता है। कुछ ज्योतिषियों का तो मानना है कि वक्री ग्रह किसी भी कुंडली में सर्वदा अशुभ फल ही देते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं इसलिए उनके फल हमेशा अशुभ ही होंगे, ऐसा इन ज्योतिषों को मानना है। ज्योतिषियों का एक दूसरा वर्ग ये मानता है वक्री ग्रह किसी कुंडली में विशेष में अपने कुदरती स्वभाव से विपरीत आचरण करते हैं। यदि कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से सब शुभ फल दे रहा है तो वक्री होने पर यह अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फल दे रहा है तो वक्री होने पर वह शुभ फल देना शुरू कर देगा। इस धारणा का मूल विश्वास यही है कि वक्री यानी उल्टी दिशा में चलने वाला ग्रह ग्रह उल्टी दिशा में चलता है, यानी इसका शुभ और अशुभ प्रभाव भी सामान्य रूप से उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ज्योतिषी ये धारणा रखते हैं वक्री ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तरह होता है, उन्हें कुछ भी अंतर नहीं आता। ज्योतिषियों का ये वर्ग ये मानता है कि प्रत्येक ग्रह अपनी सिर्फ सामान्य दिशा से ही भ्रमण करते हैं, वो कोई भी अपनी दूसरी अपनी उल्टी दिशा में चलने में सक्षम होते ही नहीं है। इनका मानना है कोई भी वक्र ग्रह अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता है। इन लोगों का यह भी मानना है जब कोई ग्रह अपनी धीमी गति के कारण पीछे की ओर खिसकता हुआ प्रतीत होता है तो उसे भी वक्री ग्रह कहते हैं, जब वो वापस आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगता है तो वो मार्गी हो जाता है।
कभी कभी कोई ग्रह कुछ समय के लिए स्थिर प्रतीत होता है, उसे अस्त भी कहा जाता है। ये भी ज्योतिष भाषा में अक्सर देखने को मिला होगा आपको। जब मंगल ग्रह वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से मकर राशि वालों के लिए सकारात्मकता और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए नकारात्मक असर देता है। इस चीज को ध्यान रखें। पहला पॉइंट, मंगल का वक्री होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, यौन सुखों पर सबसे अधिक असर डालता है। चूंकि मंगल पुरुषत्व का प्रतिनिधि ग्रह है, इसीलिए यह ग्रह व्यक्ति को ताकत, शक्ति, उत्साह, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, झुकाव, संभोग शक्ति, विवाह के प्रति रुझान के बारे में कथन देता है। जब मंगल वक्री होता है तो पुरुष की सगाई, विवाह, अपने जीवन साथी के प्रति गलत निर्णय लेने की बात भी हो सकती है। इसीलिए वक्री मंगल में इन कार्यों को सोच समझ कर करें। जब बुध ग्रह वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही अच्छे सकारात्मक फल देता है और मीन राशि वाले व्यक्तियों के नकारात्मक परिणाम देता है। बुध का संबंध बौद्धिक क्षमता, विचार, निर्णय लेने की क्षमता, लेखन, व्यापार आदि से होता है। इसीलिए बुध जब वक्री होता है तो व्यक्ति को शांति से काम लेना चाहिए। इस दौरान अति उत्साह में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वक्री बुध का अक्सर गलत निर्णय ले करवा देता है। इसीलिए जो काम जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। वक्री बुध की ग्रह की स्थिति में वक्री बुध के समय कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, कोई भी अनुबंध, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी कार्य को हाथ में ना लें, वरना घाटा उठाना पड़ सकता है। जब बृहस्पति ग्रह वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छे सकारात्मक फल देता है, वहीं मकर राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति नकारात्मक असर देता है। बृहस्पति का वक्री होना अत्यंत शुभ माना गया है, इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है। बृहस्पति जिस भाव में वक्री होता है उस भाव के फलादशियों को अनुकूल परिवर्तन लाता है। इस दौरान व्यक्ति अपने परिवार, देश, संतान, जिम्मेदारियों, धर्म के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और चिंतित होकर शुभ कार्य में लग जाता है। जब व्यक्ति कुंडली के किसी द्वितीय भाव में वक्री होता है तो उसे धन संपदा अपार रूप में प्राप्त होती है। व्यक्ति के सिर से कर्ज का बोझ उतर जाता है, धन संचय होने लगता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। यदि आपको डूबा हुआ पैसा था वो भी वक्री ग्रह की स्थिति में मिल जाता है, वक्री देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में। नौकरी पैसा व्यक्तियों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी बृहस्पति के वक्री होने पर देखने को मिली गई है। नवम भाव में वक्री होने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। द्वादश भाव में वक्री होने व्यक्ति अपने जन्म स्थान की ओर आगे बढ़ता है और संपत्ति प्राप्त करता है। स्त्रियों की कुंडली में वक्री बृहस्पति हो तो विनय विवाह सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि जिन स्त्रियों का विवाह होने में रुकावटें आती है, जब गोचर का वक्री गुरु हो जाते हैं तो विवाह होने में भी संभावनाएं मिलती है। शुक्र ग्रह जब वक्री होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छे सकारात्मक फल देते हैं, वहीं कन्या राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देते हैं। शुक्र ग्रह का सीधा प्रभाव भोग विलास, यौन संबंध से होता है। शुक्र वक्री होने पर स्त्रियों के मन में दबी भावनाओं को बाहर आने लगती है, उनमें कामुकता बढ़ जाती है, उन्हें यौन संबंध बनाने की भावना तीव्र हो जाती है। उस समय वे अपने पति या प्रेमी से अधिक प्यार पाना चाहती है। यदि उन्हें प्यार ना मिले तो पुरुषों को त्यागने में जरा भी संकोच नहीं करती है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र वक्री हो और गोचर में भी वक्री हो तो उन्हें जो उनकी इच्छाएं उनकी भी तीव्र हो जाती है। इस दौरान यदि पुरुषों को पत्नी से सुख संतोष न मिले तो अन्य स्त्रियों के साथ जाने से भी बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। इस दौरान पुरुष को देखा गया है शराब का सेवन करने अधिक लग जाते हैं। शुक्र जब वक्री होकर मार्गी होता है तो पति पत्नी के बीच वापस से पुराने मतभेद दूर हो जाते हैं, पति पत्नी में प्यार हो जाता है और संबंध वापस से जुड़ने लग जाते हैं। वहीं यदि कुंडली में शनि जब वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए वक्री शनि बहुत अच्छे फल देता है, तो वहीं वक्री शनि मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देता है। शनि का वक्रत्व को लेकर भारतीय और विदेशी ज्योतिषों में कई बार अलग अलग मतभेद भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब मानते हैं। कुछ भारतीय ज्योतिषियों का मत है शनि का वक्री होना दुर्घटनाएं, धनहानि कराता है, जबकि इसके उलट विदेशी विद्वान मानते हैं शनि के वक्री होने से व्यक्ति को परेशानी से राहत मिलती है। इनका अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। वक्री शनि तनाव और संघर्षों में राहत जरूर देता है। ऐसे समय में व्यक्ति की सोचने संबंधी शक्ति अवश्य बढ़ जाती है, वह अपने अच्छे बुरे कार्यों का स्वयं विश्लेषण कर सकता है। ये वक्री शनि की विशेषताएं होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी वक्री ग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा यदि आपके निजी जीवन में कोई समस्या चल रही है और अभी तक इसका समाधान नहीं मिल पाया तो एक बार नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट आपको नियमित मात्र फीस जमा करा के मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अपनी राशि रत्न की अंगूठी, अपनी कुंडली में भाग्य रत्न या फिर माँ लक्ष्मी का यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे जोधपुर कार्यालय से ये यंत्र मंगवा सकते हैं। ये यंत्र हमारे आश्रम में पूर्णमासी की रात्रि को विशेष मुहूर्त में स्वयं सिद्ध किए जाते हैं, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
आपकी जिंदगी की सारी समस्या का समाधान हो सकता है और आपकी किस्मत चमक सकती है। भारत के सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष जी गौड़, जिनसे मिलकर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। बिजनेस में प्रॉब्लम, कर्ज से परेशानी, नौकरी नहीं लगना, बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन, संतान प्राप्ति में बाधा, उम्र निकलती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, इन समस्याओं से अब आप न हो परेशान। आज ही अपनी कुंडली का विश्लेषण गुरुदेव मनीष जी गौड़ से करवाएं। कुंडली न होने पर आपके नाम की राशि व प्रश्न कुंडली से भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी कॉल करें 9001867009 पर या 7976018329 पर।